तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां पे दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो दोस्तों आपको क्या होता है ना कि सब कुछ देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपको पैसा लगाना पड़ता है। दोस्तों जैसा कि मैं अभी एक फ़ोन परचेस कर लिया, कर्व डिस्प्ले के चक्कर में दोस्तों मुझे इसको छूने का मन नहीं कर रहा है। कौन सा फ़ोन है? वीवो V29e 5G। दोस्तों ये जो फ़ोन है लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा ऑफर वगैरह सब अप्लाई करने के बाद। दोस्तों इतना दाम लगाने के बाद अगर आपको इस तरह का कैमरा मिलता है दोस्तों तो टोटली आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो आज मैं आप सभी को इसका कैमरा कॉल सेटिंग बताने वाला हूँ कि दोस्तों कैसा कैमरा है। मैंने जब इसको अपने फ़ोन से कंपेयर किया दोस्तों 17-18 हज़ार के फ़ोन से ये नहीं सकता है कैमरा में। दोस्तों इसका कैमरा बस नाम का है, बड़ा बड़ा दे दिया जाता है, लेकिन दोस्तों उतना क्वालिटी आपको इसमें नहीं दिया जाता। मैं रियल और जेन्युइनली आपको बताऊंगा। तो चलिए ले चलते हैं आप सभी को अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे और वहां पर से मैं आप सभी को इसका कुछ लुक दिखा देता हूं। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जेन्युइनली कि क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं, कैमरा टेस्ट वगैरह मैं वहीं पर आपको क्लियर करके बता देता हूँ। चलिए दोस्तों इस फ़ोन का फ़िलहाल मैं आज कैमरा टेस्ट आपको बताने वाला हूं। और यहां देखिए लुक इसका कुछ इस तरीके से है, जो कि दोस्तों कर्व डिस्प्ले में आता है, जो कि आपको रियल में पसंद आएगा देखने में। और यहां पे देख सकते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों 50 मेगापिक्सल का है, तो सेल्फी आपको सही मिल जाती है। और बैकग्राउंड में आपको दोस्तों यहाँ पर आपको रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिल जाता है। लेकिन दोस्तों क्वालिटी अभी मैं आगे आपको चेक करके बताने वाला हूँ, तो ज़रूर से वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप 25 से 30 हज़ार रुपीज़ लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा कैमरा मिलना चाहिए, सिर्फ कर्व डिस्प्ले के चक्कर में तो नहीं लगा रहे ना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लुक वाइज किस तरीके से है। अभी मैं आप सभी को इसका कैमरा टेस्ट दिखाने वाला हूँ भाई, कि कैमरा आपको इसका कैसा लगता है, क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप खुद डिसाइड करेंगे। तो चलिए अभी देख लीजिए कैमरा क्वालिटी इसका कैसा है। अभी देखिए दोस्तों कुछ मैं सैम्पल शॉट ले रहा हूँ ऐसे ही, मतलब बाहर का आउटडोर का धूप में। देखिए उतना ज़्यादा ग्लेजिंग आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा सेकी सेकी बनता है तो मतलब क्या ही बताएं, सिर्फ कर्व डिस्प्ले के चक्कर में भाई इतना पैसा अगर ले रहा है तो भाई मेरे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि और बाकी चीज़ भी आपको सही मिलना चाहिए, ठीक ना। और दोस्तों थोड़ा सा ऑटो फोकस में भी प्रॉब्लम है कि अगर कुछ मोशन चीज़ पार होता है, जैसे मान लीजिए ये बाइक पार हुआ तो इसके ऊपर अच्छे से वो फोकस वगैरह नहीं कर पाता है। दोस्तों वो एवरेज मिला करके मैं आपको बताऊं तो ये मतलब उतना अच्छा नहीं है दोस्तों जितना आप पैसा दे रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा एक लैंडस्केप में वीडियो में बना करके आपको दिखाता हूँ, वो भी वो वाइड एंगल से। ये देखिए दोस्तों बेसिकली बता दूं कि अगर आप वाइड एंगल से कोई भी वीडियो या फिर फोटो लेते हैं तो वो वीडियो जो है स्टेबल बनता है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये जो वीडियो है वो सेकी सेकी बन रहा है, तो ये चीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा तो इसमें बुरा लगा ज़रूर, क्योंकि इतना पैसा लगा रहे और ये कर रहे। तो फिलहाल दोस्तों यही है कैमरा टेस्ट, आप बताइए आपको कैसा लगा ये फ़ोन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल के थ्रू दोस्तों मैं आप सभी के साथ रियल और जेन्युइन वीडियो शेयर करता रहता हूँ।